मैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी के पास चलूंगा। लक्ष्मण जी, जैसा कि सर कह रहे हैं, श्रवण जी के जो किसानों के मुद्दे हैं वो आप दोबारा उठेंगे कि नहीं? संजय जी, मैंने कमान अभी संभाल ली है इस विमर्श की, फिर आपको नहीं, आपके पास शुक्रिया, आते हैं। शुक्रिया सर, कुछ नेट हो जी, पाओ। तो लक्ष्मण जी, सर का जो कहना है कि किसानों का मुद्दा अब दोबारा उस तरह गरमाएगा कि नहीं गरमाएगा, असल में लोकतांत्रिक समाज में किसी आंदोलन की एक आयु होती है और उस लोकतांत्रिक आंदोलन के परिणामों की भी एक आयु होती है कि कब तक वो मिल जाएंगे। इन सारे आंदोलनों को, चाहे वो लखीमपुर खीरी की घटना हो या किसान आंदोलन हो, इनका जो आउटकम हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देख लिया, आपको क्या लगता है, क्या ये मुद्दे फिर से गरमाएंगे? और अगर गरमाएंगे तो मैं अपने शुरुआती टिप्पणी में ये कह चुका हूं कि ये सरकार को लोक लाज नहीं है, तो आप आंदोलन करते रहिए कितने भी, तो लोकतंत्र जिस लोक लाज से चलता है उसकी उसे तिलांजलि ये लोग दे चुके हैं। आपको क्या लगता है कि इनमें से कोई ऐसी चीज हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए टैनी महाराज के केस में कुछ प्रतिकूल टिप्पणी भी कर दे, क्या तब भी इनके सत्ता के माथे पर कोई शिकन आएगी? लक्ष्मण जी जी राकेश जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है, और खासकर आंदोलनों के चरित्र पर बात करने से पहले आपने जो विशेषण जोड़ा है लोकतांत्रिक आंदोलन, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जी आंदोलन तो कह सकते हैं कि एक किस्म का आंदोलन तो मंदिर आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन भी चल रहा है, बिल्कुल तो लगभग 3 दशक हो गया और लगातार वो जैसे लग रहा है कि मजबूत ही होता जा रहा है। उसके प्रति आकर्षण, उसके प्रति लोगों का जुड़ाव और उसकी सियासी कामयाबी भी देख ले। लेकिन लोकतांत्रिक आंदोलनों की उम्र, लोकतांत्रिक आंदोलनों के चरित्र, इन सब को लेकर के खासकर जो बातें कही जाती हैं या अब तक का जो इतिहास रहा है, यह तो हमें यह इशारा कर रहा है कि जो जो आवाम इस तरह के आंदोलनों में शामिल होती है वो बहुत दिनों तक अपनी ऊर्जा को बचा करके अपने तमाम दिनचर्या की जो गतिविधियां हैं उनको समझौता करके उनसे बहुत मुश्किल से कोई लड़ाई लड़ती है। मसलन एक दो उदाहरण मैं देता हूं। जैसे हम विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले लोग हैं और हम जानते हैं कि शिक्षा जगत पर लगातार ऐसी नीतियां, और कोई एक सरकार की नहीं है, वो पिछली सरकारों की भी रही है, शिक्षा को लेकर के जो नीतियां लगातार बनाई जा रही है वो उसके सार्वजनिक चरित्र को कमजोर करती जा रही है और वो उसको प्राइवेटाइज करती जा रही है। लेकिन उसके लिए कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो पाना, बड़ी लड़ाई लड़ पाना, मतलब कंटिन्यू, ये मुश्किल है। बिल्कुल ये चिंता वाजिब है कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर यह सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है कि हाई कोर्ट इस तरह से निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन वो उस पूरे निर्णय को होल्ड करती है और अगर वो उसके खिलाफ भी फैसला करें या वो हाई कोर्ट के पक्ष में फैसला कर दे, तो मुझे इस बात में संदेह है कि किसान फिर से उसी ताकत से, उसी शिद्दत से, उतनी ही मेहनत और समर्पण से फिर से खड़े हो पाएंगे। असल में जितना हम लोगों ने समझा है वो ये है कि शासन प्रशासन की जो मंशा होती है वो ये होती है कि वेट एंड वॉच करो। किसी भी किस्म के लोकतांत्रिक आंदोलन को वो पहले तो उपेक्षित करते हैं, उसको तवज्जो नहीं देना, फिर उसके बाद उसको कमजोर करते हैं, उसके ऊपर हमला करते हैं कि वो लोग टूटे, बिखरे, आपस में लड़ जाएं। जैसे पिछले दिनों हुआ कि किसानों के कई संगठनों, दर्जनों संगठनों को जोड़ करके कहा गया कि भाई ये तो कमेटी की रिपोर्ट करिए कि अधिकांश किसान तो पक्ष में थे। ये सारे हथकंडे शासन प्रशासन के लोग अपनाते हैं और यह हथकंडे लोकतांत्रिक जन आंदोलनों के खिलाफ अपनाए जाते रहे। उम्मीद और हसरत, भले हम ये एक लोकतांत्रिक परिवेश में अगर हम तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, संविधान सम्मत दृष्टिकोण से सोचें, तो हमारी अपेक्षा भले ये हो कि नहीं किसानों को सड़क पे आना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। किसी ऐसी घटना के स्थान पर सारी की सारी सीटों का भाजपा का जीत जाना इस बात का प्रमाण पत्र तो कतई नहीं है कि वहां कोई आक्रोश नहीं था, वहां लोग उनसे नाराज नहीं थे। भाई चुनाव कैसे जीता गया है, वोटर लिस्ट में नाम कटने से लेकर के ईवीएम से लेकर के तमाम सवाल तो उठ भी रहे ना समानांतर। बेशक विपक्ष की कई तरह की कमजोरियों के सामने ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं बन पाते, हास्यास्पद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार की तमाम नीतियों से लोग खुश हैं इसलिए उन्हें जिता रहे हैं, तो गुस्सा है। लेकिन आपके सवाल का जवाब मेरे पास इतना ही है फिलहाल कि मुझे इसकी उम्मीद कमतर नजर आती है। हालांकि हमारी इच्छा और सदिच्छा ये है कि
कि उसके प्रतिकार में लोगों को जिन्होंने 13 महीने आंदोलन किया, 700 से ज्यादा लोग शहीद हुए, बहुत मुश्किल से तो वो एक जीत में तब्दील हुआ आंदोलन, उतरना चाहिए। लेकिन चूंकि सरकारों के पास हजार हाथ होते हैं, जैसे एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन उसके पास हजार हाथ और मुंह है। एक संगठन बुराड़ी में खड़ा होकर के मुस्लिमों को गाली देगा, राजस्थान में उनका कोई संगठन मस्जिद के सामने उनको उकसाएगा कि टोपी वालों को भी एक दिन झुक के जय श्री राम कहना होगा। ये समानांतर इस देश में हो रहा है ना, फिल्म पर क्या हो रहा है, एक सिनेमाघर में दिखाई जा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बहुसंख्यक आबादी के जहन में सांप्रदायिकता के जहर को खोल दिया है और तमाम महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल उसके सामने हाशिए पर चले जाते हैं। ये चुनौतियां किसान आंदोलन सामने, अगर ऐसा कर पाए तो शायद वो कोई लड़ाई खड़ी कर पाएंगे और खड़ी करनी चाहिए।